छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव ने मांगा वंदे भारत ट्रेन। यहाँ दोस्तों रेलवे मिनिस्टर ने दे दिया आश्वासन, अब मिल जाएगा नया चमचमाती वंदे भारत ट्रेन। यहाँ दोस्तों आपको बता दें छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहा है नया वंदे भारत ट्रेन। आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव के चलते आचार संहिता लगा हुआ दोस्तों, इसकी वजह से लॉन्चिंग नहीं हो रही है वंदे भारत ट्रेन की, लेकिन जून महीने में शुरू हो सकती है नई वंदे भारत ट्रेन जो चलेगी दुर्ग से विशाखापत्तनम के बीच, जिसका टाइम टेबल आ चुका है। और आपको बता दें जो सीएम है, छत्तीसगढ़ के सीएम है विष्णु देव साय, उन्होंने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखी थी दोस्तों, और रेलवे विभाग के तरफ से ट्रेन को मंजूरी मिल चुकी है। सामने आ गई नई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के दुर्ग से वंदे भारत ट्रेन चलेगी। आपको बता दें सुबह 6 बजे चलेगी छत्तीसगढ़ के दुर्ग से और फिर दोपहर 2:30 बजे पहुँच जाएगी विशाखापत्तनम। यहाँ दोस्तों इसके बाद वापसी के समय का बात करें तो 3:15 बजे विशाखापत्तनम से चलेगी और देर रात 11:50 पर यह ट्रेन वापस दुर्ग पहुंच जाएगी। यहाँ दोस्तों इस दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन को महज 8.5 घंटे का समय लगेगा दोस्तों। यानी आपको बात करें कि जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं विष्णु देव साय, उन्होंने वंदे भारत की मांग करी थी कि आपको दुर्ग से लेकर विशाखापत्तनम के बीच दिया जाए, वो मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें जून के महीना में हो सकता है इसका मोदी जी हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल चुनाव का समय है जिसके चलते देर हो रही है, आचार संहिता लगा हुआ है, इसके कारण हरी झंडी नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन यह मांग मान ली गई है दोस्तों और सीएम का मांग पूरा कर दिया गया। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ऐसे जो वीडियो हैं, जो नई जो वीडियो आएगी द रेल फैक्ट्स के माध्यम के आपके पास लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय नंद रेलवे।